नमस्कार फ्रेंड्स, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको किडनी स्टोन्स हो चुके हैं और वह यह सोच रहे हैं क्या मैं अपने डाइट में या ड्रिंकिंग हैबिट में चेंज करके स्टोन बनने की फ्रीक्वेंसी को या स्टोन बनने की अवस्था को कम कर सकता हूं या पूर्णतः बंद कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं डाइट के बारे में बात करूँ, कुछ चीज़ें मैं पहले से बता दूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर रहें आपको शुरू से। पहली बात तो ये है कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई डाइट नहीं है जिसको रिकमेंड किया जाए और स्टोन कभी ना बने, ऐसा नहीं होता है। यह एक जिम जनरल रिकमेंडेशन होती है। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसा कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आप फॉलो करें या कोई चीज़ जो आप कभी ना खाएं और आपको कभी स्टोन ना बने। तीसरी चीज़ ये है, अगर आपको ऑलरेडी किडनी स्टोन्स हो चुका है तो अकॉर्डिंग टू डाटा नेक्स्ट 5 ईयर में आपको 50% चांस है स्टोन बनने के। कुछ डाइटरी रिकमेंडेशन फॉलो करके उसको कम किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इन बातों का ध्यान रखकर हम इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके पहले कि हम रिकमेंड करें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में, मैं ये बता दूँ, इस वीडियो में ये नहीं बताया जाएगा कि आपको क्या चीज़ खाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ बेसिक तरीके से हेल्प करती है, ये बताया जाएगा। तो अगर कभी आपको स्टोन पास हुआ है और उसको स्टोन एनालिसिस हुई है तो स्टोन एनालिसिस में ये पता चल जाता है कि आपका किडनी स्टोन किस प्रकार पे है, उसके बेसिस पे हम डाइटरी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। किडनी स्टोन मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन, दूसरा होता है कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन, तीसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन और चौथा होता है सिस्टीन स्टोन। तो जो पहले 3 प्रकार के स्टोन हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन, इसमें मूलतः जो डायटरी रिकमेंडेशन होती है ऑलमोस्ट सेम तरह की होती है। इवन सिस्टीन स्टोन में भी डायटरी रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ऑल्दो हम कहते हैं कि स्टोन का टाइप पता हो तो डायटरी रिकमेंडेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टोन होते हैं, ऑलमोस्ट 80-85% स्टोन जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन होते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्सीलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन होते हैं या कैल्शियम ऑक्सीलेट डाइहाइड्रेट स्टोन होते हैं। अब बाकी 10-15% स्टोन में बाकी सारे स्टोन्स आते हैं। यूरिक एसिड स्टोन करीब 5% के आसपास रहते हैं। तो किडनी स्टोन चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे इन चारों में से कोई भी प्रकार का हो, जो 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहला जो है कि आपको पानी का इंटेक है या लिक्विड इंटेक है, दूसरा है नमक की मात्रा या सोडियम की मात्रा डाइट में, तीसरा है आप आहार में कितना एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, और चौथा है कैल्शियम और ऑक्सीलेट का इंटेक। तो सबसे पहले मैं पानी की मात्रा के बारे में बात करूँगा। तो पानी यूजली जो हमारी टेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन है, आपको इतना पीना चाहिए कि 2.5 से 3 लीटर यूरिन बने। जब यूरिन ज़्यादा मात्रा में बनता है तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल्स जो स्टोन्स बनाते हैं उनको, उनका यूरिन में डाइल्यूशन हो जाता है, मतलब वो एक सेचुरेशन से ऊपर नहीं पहुंच पाते और वो फिर यूरिन में प्रेसिपिटेट नहीं होते या उनकी मात्रा इतनी नहीं बढ़ती कि उसके क्रिस्टल्स बन पाए और वो यूरिन में पूरी तरीके से निकल जाते हैं। तो अगर आप पानी बार बार पीते रहेंगे तो यूरिन बार बार होता रहेगा और डाइल्यूट यूरिन होगा, तो स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको स्टोन फॉर्मेशन है तो ये हैबिट लाइफ लॉन्ग होती है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़े दिन फॉलो करके इसको छोड़ सकते हैं। और यूजली ठंड में अगर मैं बात करूँ तो आपको 3-4 लीटर पानी पीना ही पड़ता है और गर्मियों में 4-5 लीटर पानी पीना पड़ता है। अगर आप पानी नहीं पी सकते बहुत ज़्यादा तो आप उसको जूसेस वगैरह से रिप्लेस कर सकते हैं, नींबू का जूस, संतरे का जूस या लेमोनेड वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। पानी वैसे सबसे अच्छी चीज़ है। कुछ लोग बियर लेते हैं बट वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बियर पीने से स्टोन ज़्यादा निकल जाते हैं क्योंकि इससे नशा भी होता है और ये कॉस्टली आइटम भी है और इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो लिक्विड इंटेक में सबसे इंपॉर्टेंट है पानी इंटेक, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए। बट पानी बहुत ज़्यादा पीने के पहले आप डॉक्टर से भी एडवाइस कर लें। ऐसे पेशेंट जिनके किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जिनके किडनी फंक्शन एबनॉर्मल हैं, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट फंक्शन एबनॉर्मल, उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी कई बार घातक सिद्ध होता है, या जिनको सोडियम मात्रा कम रहती है, हाइपोनेट्रीमिया के केस है, उनमें ज़्यादा पानी पीना एडवाइजेबल नहीं होता। तो अगर आप ज़्यादा पानी पीना एकदम से चालू करते हैं तो कई बार इससे उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से यह ज़रूर पूछ लें कि मुझे कितना पानी पीना है।
दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया कि जो सोडियम का इंटेक है, तो ऐसा देखा गया है कि जो लोगों की नमक का इंटेक ज़्यादा होता है उनमें स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी आप डाइट में सोडियम की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा सोडियम होता है यूरिन में निकल जाता है, और एक नेचुरल प्रोसेस के साथ जब भी सोडियम बाहर निकलता है अपने साथ कैल्शियम को भी यूरिन में लेके जाता है, और सोडियम और कैल्शियम जब साथ में यूरिन निकलते हैं तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपने डाइट में सोडियम का इंटेक आप लिमिटेड रखें। एक डायट्री रिकमेंडेशन के अनुसार आपको सोडियम का इंटेक एक दिन में करीब 2.5 ग्राम के आसपास होना चाहिए, जो एक चम्मच के बराबर होता है। और इसमें बस आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज ना करें। एक्स्ट्रा सॉल्ट कब यूज करते हैं, जब आप दही में अलग से डालते हैं, या अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं, या पैक्ड आइटम खाते हैं, सॉल्टेड आइटम्स खाते हैं और एक्स्ट्रा नमक डालते हैं, दही में लेते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना। बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना। नमक के अलावा कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिनमें सोडियम होता है, जैसे कि ऐसी चीज़ें जिनमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, सोडियम एल्जिनेट्स, ये सब, इनमें भी सोडियम लेवल मात्रा ज़्यादा होती है। तो इट इज़ नॉट ओनली सोडियम क्लोराइड, बल्कि सोडियम किसी भी मात्रा में अगर डाइट में ज़्यादा है तो वह स्टोन बनने के चांसेस बढ़ाता है। ये भी एक लाइफ लॉन्ग हैबिट होनी चाहिए कि आपको सोडियम इंटेक थोड़ा कम रखना है। तीसरी बात में हम आते हैं एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन चाहे वो चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे फिश हो, चाहे सी फूड हो, किसी भी प्रकार का सी फूड हो, एनिमल प्रोटीन इंटेक आपको कम करना पड़ता है। एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेने से आपके जो शरीर में प्यूरिन नाम का कंपाउंड बढ़ता है और ये स्टोन बनने के लिए इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट होता है। इससे यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, और जब भी ये देखा गया कि अगर आप बहुत हाई इंटेक ले रहे हैं तो स्टोन जल्दी जल्दी बनते हैं, तो इनका इंटेक काफ़ी कम करें। आप इसको या तो वीकली ले सकते हैं, या तो अगर बहुत फ्रिक्वेंटली लेते हैं तो उनकी मात्रा कम करें। इसके लिए आप अपनी डाइटिशियन से भी सलाह ले सकते हैं। बट हाँ, प्रोटीन भी ज़रूरी है शरीर में। अगर आप एकदम से खाना बंद कर सकते हैं तो उसको फिर जो बाकी वेजिटेबल सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जिसमें ऑक्सलेट कम होते हैं, जैसे दालें हो गई, तुअर दाल हो गया, पीनट्स हो गए, तो इस टाइप की चीज़ों से आप प्रोटीन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये डाइटिशियन का काम है आपको एडवाइस करना कि वो किस प्रकार की चीज़ें आपको एडवाइस करता है। यह इस वीडियो का पर्पज़ नहीं कि आपको क्या डाइट लेना है या डाइट में पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें लेनी है, ये एडवाइस करना इसका पर्पज़ नहीं है। ये एक जनरल रिकमेंडेशन है कि आप एनिमल प्रोटीन आपको कम लेना है। चौथा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम और ऑक्सलेट का इंटेक। तो जैसा बताया मैंने कि कैल्शियम ऑक्सलेट एक मेन कॉम्पोनेंट होता है स्टोन का, तो जब भी पेशेंट्स को स्टोन बनता है तो मैंने ये देखा है कई बार बिल्कुल लोग दूध पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, कैल्शियम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, तो यह भी एक प्रकार की भ्रांति है। आपको एक्सेस ऑफ कैल्शियम नहीं लेना, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा दूध पी रहे हैं, 1 लीटर दूध पी रहे हैं, 1.5 लीटर दूध पी रहे हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज एक दूध की निश्चित मात्रा भी इम्पॉर्टेंट है। और कई बार कैल्शियम का यह भी देखा गया है कि उल्टा स्टोन प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब वो स्टोन बनने के चांसेस कम करता है। क्योंकि जब भी आप कैल्शियम डाइट में लेते हैं और सही समय पर लेते हैं तो यह जो डाइट में ऑक्सलेट भी जाता है, ऑक्सलेट भी डाइट में जाता है, तो कैल्शियम और ऑक्सलेट बाइंड हो जाते हैं अपने इंटेस्टिन में। जब कैल्शियम और ऑक्सलेट बाइंड हो जाते हैं तो ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन अपने इंटेस्टिन से कम होता है, तो ये ऑक्सलेट की मात्रा ब्लड में कम करता है। तो एक कैल्शियम शरीर के लिए भी ज़रूरी है, दूसरा आपको डाइट में कैल्शियम इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो ऑक्सलेट को बाइंड कर सके और आपके खून में कम ऑक्सलेट जाए, तो इससे स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं। तो कैल्शियम लेना भी ज़रूरी है, इसके लिए भी आप डाइटिशियन से सलाह लेके देख सकते हैं किन चीज़ों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा अवॉइड करें और क्या आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम। कुछ सब्जियाँ होती हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं उसमें कैल्शियम होती है, दूध होता है उसमें कैल्शियम होते हैं, इन सब चीज़ों को एक्सेस नहीं करना है, पर कैल्शियम की एक लिमिटेड मात्रा भी ज़रूरी है। और नेक्स्ट है ऑक्सलेट। तो कुछ सब्जियाँ होती हैं जिनमें, या कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका सेवन नहीं करना है। जैसे बंद गोभी हो गया, पालक हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, नट्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चाय बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी, इन सब में ऑक्सलेट कंपाउंड काफ़ी होते हैं। तो आप ऐसे फूड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाइटिशियन की मदद से, अपनी फूड हैबिट चेक करके, कि अगर आप कहीं ऐसा कहीं बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड को नहीं ले रहे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का एक्सेस अवॉइड करना है। जैसे अगर हम सोचें कि मैं टमाटर खाना बिल्कुल बंद कर दूं, बंद गोभी खाना कभी ना खाऊं, तो कभी स्टोन नहीं बनेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप कभी एक टमाटर खाते भी हैं तो इससे स्टोन नहीं होने वाला। तो आपको एक्सेस नहीं लेना, इन सब चीज़ों का एक्सेस नहीं लेना। तो आप अपने डाइट में देखें ये क्या मैं ये चीज़ एक्सेस ले रहा हूँ,
अगर एक्सरसाइज ले रहे हैं तो उस चीज़ों को ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा डाइटिशियन आपको डाइट प्लान बनाने में रिकमेंड कर सकता है, बट इन जनरल जो रिकमेंडेशन आपको जो चार चीज़ें ध्यान रखनी है, पानी ज़्यादा पीना है, एनिमल प्रोटीन्स कम लेने हैं, सोडियम कम होना चाहिए और कैल्शियम ऑक्सीजेट का एक्सेस नहीं होना चाहिए डाइट में। इससे स्टोन बनने की जो गति को काफ़ी कम किया जा सकता है और स्टोन सर्जरीज को भी हम कई बार अवॉइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ इससे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके अलावा अगर कुछ और सवाल है या किसी बारे में पूछना चाहते हैं तो आप YouTube वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।